नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग टर्म। पैटर्न को यूज में लेना है और मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, टोटल 4 टर्म्स दी हुई है, एक राइट साइड में और 3 लेफ्ट साइड में, 1, 2, 3, 4। तो आप देख रहे हैं जो थर्ड टर्म है, ठीक है, इसमें भी जो थर्ड टर्म है, इसमें भी जो थर्ड टर्म है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, थर्ड टर्म पे फोकस करिएगा। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा। तो ये जब जो थर्ड टर्म आ रही थी ना, इन दो नंबर्स का, फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट ही आ रहा था, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा। तो इस मिसिंग टर्म की जगह क्या आ जाएगा, 4 5 जा 20, यानी जो थर्ड टर्म आ जाएगी वो कितनी आ गई, 20, है ना। अब हमें पता है ये जो टर्म है थर्ड टर्म, ये इन दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो आप 5 को किससे इंटू करेंगे कि 30 आ जाता है, 5 6 जा 30। अगर ऐसे नहीं निकालना आता तो आप 30 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको सेकेंड नंबर की टर्म पता लग जाएगी, 5 6 जा 30, ठीक है। क्योंकि जब इन दोनों का प्रोडक्ट ये नंबर है, तो जब आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये सेकेंड नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए लास्ट वाले में, 6 7 जा 42, तो ये तो बात हुई बच्चों थर्ड टर्म की। अब फोर्थ टर्म पे फोकस करिएगा, ये जो फोर्थ टर्म है ना, इस थर्ड टर्म में 1 ऐड करके बन रही है, देखिए 2 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 12 प्लस 1 13, 20 प्लस 1 21, 30 प्लस 1 31, तो 42 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 43। तो ये मिसिंग टर्म आ गई आपकी 43, ठीक है। ये जो थर्ड टर्म है वो तो इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, और ये जो फोर्थ टर्म है वो थर्ड टर्म में 1 ऐड करके बनी हुई है। तो ये पैटर्न है। अब इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 को लिखने का तरीका ऐसा है बच्चों, थर्ड टर्म इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू नंबर, ये आपको बताया था जब ही सॉल्व किया था। तो फोर्थ नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग 1 to 3rd नंबर, ये भी बताया आपको, जो इक्वल्स टू के आपके राइट साइड में मतलब दिया हुआ इक्वल्स टू के, तो वो हमारी फोर्थ टर्म है ना। दस द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न विल बी, फिर हमने जो जो फाइंड किया है फिर हम वो लिख देंगे। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करके आना है, ठीक है। सॉल्व करके तो आपको बता ही दिया मैंने, और लिखना फिर आपको इस तरह से, ओके स्टूडेंट।